अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ नाहम क्लास तर्जमतुल कुरान के एमसीक्यू शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप ये एमसीक्यू याद कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे एमसीक्यू हल हो जाएंगे। तो ये 50 एमसीक्यू हैं, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो पहला एमसीक्यू जी, मुसलमान हबशा पहुँचे थे अमन की तलाश में, जी ये वाला है। और सूरत मरियम के मुताबिक हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत से शाह अबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरत मरियम की। और अल्लाह ताला का कानून है चौथा है, जिसको किसी कौम को उसके कुफर और इनकार पर देता है अल्लाह ताला जी मोहलत देता है। और पांचवा है दी सदरी का मैंने मेरा सीना, और सूरतुल ताहा को सुनकर मुसलमान हुए तो हज़रत उमर। और सूरतुल अंबिया में मुशरिकीन के एतराज़ात का भरपूर जवाब दिया गया है, ये आप लोगों ने देख लेना है। सूरतुल अंबिया के मुताबिक कौन सा वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है, कयामत का वक्त से सबसे करीब से करीब तर होता जा रहा है। हमें मुश्किल में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। सूरतुल हज में जहाद की इजाज़त मुसलमानों को ले करार दिया गया है, जी ये तीनों है जी। जिम्मेदारी खुशखबरी तो कहा गया था, आप देख लीजिएगा। और जी बारहवा जी सूरतुल फुरकान में फुरकान करार दिया गया है कुरान मजीद को। और उसके बाद सूरतुल फुरकान की पहली आयत में कुरान मजीद को फुरकान कहा गया है। तेरहवा कुरान मजीद नाजिल किया गया तमाम जहानों के लिए, और आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है सूरतुल शुरा। और झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी होता है शैतान जी। लाचार और परेशान हाल लोगों की फरियाद सुनता है अल्लाह ताला ही सुनता है सबकी फरियाद जी। हज़रत मूसा का जिक्र और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दावत की सच्चाई को साबित किया गया है, ये वाला आप लोगों ने देखना है। अपने माल व असबाब के साथ हलाक कर दिया गया कारून। और सूरतुल अनकबूत में आयत नंबर 56 में बड़ी नेकी करार दिया गया है, ये आप लोगों ने देख लेना है। और अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत करना है जी बहुत बड़ी नेकी। अनकबूत के मैंने जी जीवंटी और सूरत रोम के रुकू देख लेनी है आप लोगों ने। अल्लाह ताला के नज़दीक माल बढ़ता है खर्च करने से जी, नज़दीक माल बढ़ता है ज़कात देने से। सूरत रोम का आगाज़ होता है हरूफ मुकत्तवात में से जी। हज़रत लुकमान का अपने बेटे को नसीहत के अगर मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला से रुजू करना। और जी कयामत के दिन नतीजा निकलेगा हर इंसान के अमाल का। 29वां है जी हज़रत लुकमान ने नसीहतें की अपने बेटे को की जी। और कयामत के दिन अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम की वजाहत, ये आप लोगों ने देख लेना है। सब्र करने वालों और अल्लाह ताला की आयत पे यकीन रखने को बनाया गया है जी, रहनुमा बनाया गया है जी उनको। और सुन्नत नबवी के मुताबिक जुम्मे के दिन सूरतुल सजदा पढ़नी चाहिए फजर की नमाज में जी। और इंसान की अजमत है जी मेहनत में, माल व औलाद हैं जिंदगी का इम्तिहान, और ये मेहनत है जी इसका। और फातिर का मीनिंग है जी पैदा करने वाला, और हर चीज़ का होता है दिल होता है। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि ये एक नसीहत है। और मवेशियों के फ़ायदे हैं सवारी दूध का सो गोश, ये तीनों हैं जी। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को ज़बह करने का हुक्म दिया अपने बेटे को जी हज़रत इस्माइल को। सूरतुल सफ़ात की आयत देख लेनी है आप लोगों ने, सूरतुल सफ़ात के शुरू में असाब बयान किए गए हैं फरिश्तों के जी। और पाँव मारने से चश्मा जारी होना हज़रत इस्माइल, और इसका जी हज़रत कलमा तो सुनकर ये खड़े हो गए थे जी ये फरिश्ते। और कुरान मजीद से नदियात हासिल करना जी, ये आप लोगों ने देख लिया शायद तज़क्कुर। कुरान मजीद में इबादत इलाही के साथ तज़किरा है हुकूकुल वालदैन का। आकाफ का मैंने ये रेत के टेले, आकाफ का मैंने जी रेत के टेले। तो ये इंशाल्लाह आप लोग अगर आप लोग ये एमसीक्यू याद कर लेंगे तो आप लोगों के पूरे एमसीक्यू हल हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद